जब नीतीश जी का संकल्प है अपराध मुक्त, भट्टी जी को लाए आप, तो कौन है नीचे रोक रहा है? अपराध कम हो रहा है या ज्यादा? आदमी मारे जा रहे हैं या नहीं? भट्टी जी जैसे कप्तान के मनोबल को कमजोर क्यों किया गया? नीतीश कुमार संदिग्ध नहीं हो सकते, नीतीश कुमार क्रिमिनल को तरजीह नहीं देते हैं, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं? नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, चाप सुप्रीमो पप्पू यादव का ऐसा रूप आप कभी नहीं देखे होंगे। सीधे सवाल खड़ा कर दिए हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आरएस भट्टी, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के हाथ को कौन रोक रहा है, उनको एक्शन लेने से कौन रोक रहा है। नीतीश कुमार पे भी बोले हैं और बढ़ते अपराध पर, पत्रकार की हत्या पर सब कुछ बोले हैं पप्पू यादव और सवाल खड़ा किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, आप वो सुनिए। कौन रोक रहा है? जब नीतीश जी का संकल्प है अपराध मुक्त, भट्टी जी को लाए आप, तो कौन है नीचे रोक रहा है? सिर्फ पत्रकारों को नहीं मारा सर, पुलिस मरे, आम आदमी मर रहे हैं। मधुबन में एक बच्चों को मार दिया, इकलौता बेटा था, सीतामढ़ी में किडनैप के लिए उसके को मार दिया, लगातार मुजफ्फरपुर में 5 हत्या हुई भी है, मधुबनी में एक बच्चों को मार दिया, मधेपुरा में 3 मर्डर हुए हैं, 3 मर्डर। और कल जिस परिपेक्ष में पत्रकार की हत्या हुई है, कल पहले एक भगत की को मारा गया कि थार हमको दो, नहीं दोगे तो गोली खाओ, थार हमको दो, नहीं दोगे तो गोली खाओ। उसी परिपेक्ष में इसको देखा जा रहा है कि इन्होंने कलम तोड़ के लिखा था। दो परिपेक्ष, या तो इसने मार दी गोली जिसने लिखा, या इसके एक भाई को भी मार दिया था गोली, गब्बर को, जिसके गांव हम गए थे बेलसरा, उस क्रिमिनल की हत्या हो चुकी है, इसमें इसकी गवाही थी। तो दो परिपेक्ष, बीमल की हत्या के पीछे दो परिपेक्ष, एक कल भगत जो जिंदगी मौत के साथ पूर्णिया में जूझ रहा है, अब आप सोचिए ना, रंगदारी थार दो न तो गोली खाओ। सर, सवाल पत्रकार का नहीं है, सवाल पुलिस का नहीं है, आम आदमी या पत्रकार में किसी में फर्क क्या है, यह सवाल है। सवाल सर, कौन है नीलेश मुखिया को मारने वाला अप्पू धप्पू राय, कौन है? जो नाम आ रहे हैं ये वही लोग हैं ना जो बालू माफिया लोग हैं। ऐसे लोगों को हर पार्टी तरजीह क्यों देती है? ये सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं कहिए या पुलिस पर मत उठाइए, हर पार्टी अपराधियों को, माफिया को संरक्षण क्यों देती है? कल 95% मुजफ्फरपुर लोगों ने बंद किया माफिया के खिलाफ। सर, भारत जापान गिरी को जबरदस्ती छीन लिया है एक गरीब आदमी से, इन माफियाओं ने बोला ये मेरा है, और 3-3 नहीं कई बच्ची किडनैपिंग होकर के जा चुके। हाजीपुर की एक बच्ची को कल गायब कर दिया, प्लेन से लेके चला गया, कल प्लेन से लेके चला गया, सारे फुटेज आ गए। मैं जानता हूं कि दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य जगहों पर अपराध बहुत है, बीजेपी को बोलने का कोई राइट नहीं है, वो भी एनडीए की सरकार में थी। मणिपुर को देखेंगे तो अपराध का पता चल जाएगा, अपराध हो रहे हैं या नहीं, अपराध कम हो रहा है या ज्यादा, आदमी मारे जा रहे हैं या नहीं। भट्टी जी जैसे कप्तान के मनोबल को कमजोर क्यों किया गया और किसने किया? यही मर्डर जिस मर्डर को एक सप्ताह के अंदर मंटू शर्मा और गोविंदा को भट्टी जी अपने स्पेशल फोर्स से लाया है, इसके पहले समीर को यही दोनों मारा था, बाहर से बिल मिल गई, पुलिस ला नहीं पाई थी। भट्टी के रहने में एक परिवर्तन तो आया ना, कि समीर को मारा तो ला नहीं पाई, बाहर से बिल मिल गया। मैं जानना यह चाहता हूं सीधा और बहुत क्लियर है इस बात को लेकर, नहीं दिया गया शाही और समीर का? उस इंक्वायरी के बाद पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई?
मैं चाहता हूं पब्लिक डोमेन में आवे, और दूसरा मंटू शर्मा गोविंदा जैसे लोग का इनकाउंटर क्यों नहीं होता? वो जेल में दादागिरी करने के लिए क्यों पैदा होते हैं? एक छोटा सवाल बस लूंगा, नैतिक साजिश है। जोगी ने किसी एक बाबू साहब क्रिमिनल कोई जात नहीं होता है, जादव हो या राजपूत, ब्राह्मण हो या भूमिहार, सौ या पासवान, क्रिमिनल इज क्रिमिनल, ये किसी जात का नहीं हो सकता है। क्रिमिनल के खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है। योगी ने सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ, चाहे वो हरिशंकर तिवारी हो, चाहे ब्राह्मण क्रिमिनल हो, चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने किसी एक बाबू साहब क्रिमिनल को आज तक टच नहीं किया। इसलिए जोगी जी का जो कैरेक्टर है वो संदिग्ध है, वो क्रिमिनल के खिलाफ नहीं है, वो पॉलिटिकल है। लेकिन नीतीश कुमार संदिग्ध नहीं हो सकते, नीतीश कुमार क्रिमिनल को तरजीह नहीं देते हैं। लेकिन कौन ऐसे लोग हैं कि भट्टी के पैर निकल रहे हैं, उसके उसको आगे बढ़ने से उसको फ्री हैंड नहीं मिल रहा है, ये मेरा सवाल है। और अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, और एसपीडी ट्रायल होगा कि नहीं मंटू गोविंदा के खिलाफ, दरोगा के हत्यारे के खिलाफ, पत्रकार के हत्यारे के खिलाफ? क्या 12 घंटे के अंदर कुर्की होगी? तो आपने सुन लिया कि पप्पू यादव सीधे सवाल खड़ा कर दिए हैं और पूछ रहे हैं कि आरएस भट्टी, बिहार के डीजीपी जो हैं आरएस भट्टी, उनके हाथ को कौन रोक रहा है, उनको एक्शन लेने से कौन रोक रहा है। नीतीश कुमार पे भी बोले हैं, क्या कुछ कहे थे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर कुछ लाइक करें। धन्यवाद।